हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको एसए एमटीएस, ठीक है, आपका जो आईबी एग्जाम शेड्यूल्ड है 23rd 24th को, उसको देखते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम आपको मॉक टेस्ट करा रहे हैं। एक मॉक टेस्ट का हो चुका है हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आपको इंग्लिश हो, चाहे आपका क्वांट हो, रीजनिंग हो, चाहे आपका जीएस हो। और आज उसी सीरीज का ये आज ये सेकंड वीडियो है, आज ये सेकंड पार्ट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस, जिनको करने के बाद आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बेस्ट कंटेंट के लिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, देखते हैं आज क्या है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये सीरीज के क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर क्या इसमें आप कर सकते हैं, तो 2, 4, 8, 32 एंड 256। तो यहां पर जो आप सीरीज को देख रहे हैं, ये सीरीज काफी मतलब जो बढ़ रही है, इसका जो बढ़ने का जो तरीका है वो काफी ज्यादा है ना, जो गैप है वो काफी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली इसका जो इसमें जो लॉजिक होगा वो मल्टीप्लीकेशन होगा, एडिशन का नहीं होगा, ठीक है। यही होता है जब आपका जो गैप है वो कांस्टेंट रहे या फिर वो कम बढ़े, तो आप उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन लेकर चलते हैं, और जब वो कुछ ज्यादा स्पेस से बढ़ रहा होता है तो उसमें हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप देखिए यहां पर ये जो आपका नंबर है, ये जो सारे नंबर हैं आपके, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के यहां पर मल्टीपल है, ठीक। जैसे कि आपका 8 जो है वो 4 और 2 का मल्टीपल है ना। आपका 32 जो है वो 4 और 8 का मल्टीपल है, ठीक। आपका आपका जो फिर ये 256 है, ये आपका 8 और 32 का मल्टीपल है। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा आपका, वो आपका 32 का और 256 का मल्टीपल होगा। यहां तक हमें अभी ये समझ में आया। तो अगर इसमें इसका मल्टीपल इन दो, अगर इसका आंसर जो है इनका मल्टीपल होगा, तो आप यहां पर देखिए 8192 4096 2048 और 1024, लगभग 250 और 32, इसको बैठा दीजिए 230। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो 6000 से ऊपर आएगा। यहां पर कैसा कोई ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आपका 8192 है, तो यही आपका यहां पर सही आंसर होगा। तो लॉजिक भी आपको यहां पर समझ में आ गया कि कैसे चीज आगे बढ़ रही है, और ऑप्शन में भी से भी आप उसको देख सकते हैं, आपको उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो आपको टाइम यहां से बच जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कई बार आपके सवाल जो है वो ऑप्शन से भी हो जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका, ठीक, सम चेयर्स आर विंडोज, ऑल विंडोज आर बोर्ड्स, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो सम चेयर्स आर विंडोज, ठीक है, कुछ चेयर जो है विंडोज हो गई, ऑल विंडोज आर बोर्ड, सारे के सारे विंडोज जो हैं वो बोर्ड है, ठीक है। यहां पर इसका पूछा क्या गया है, ऑल चेयर्स आर बोर्ड, क्या सारी चेयर बोर्ड हैं? सारी चेयर बोर्ड बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और ऑल बोर्ड आर विंडोज, सारे के सारे बोर्ड विंडोज हैं, तो ये भी नहीं है, तो नाइदर वन नाइदर टू, ठीक है, ये आपका इसमें यहां पर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट, इस सेट में जो नंबर्स हैं वो सिलेक्ट कीजिए और बताइए कि सेम सेट में नंबर जो है वो कहां से इसमें जा रहे हैं। तो इसको लिख लेता हूं यहां पर एक बार आपके लिए, 12 है, फिर 30 है, फिर 204 है। इसका जो एक कनेक्शन है वो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होगा, एक कनेक्शन होगा, वो आपको यहां से इसमें बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, आप भी करिए इसको मेरे साथ। तो इसमें लॉजिक जो है वो यहां पर क्या लगेगा, ये जो नंबर है इसको लेके चलते हैं इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं इसको करता हूं, अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर करता हूं, ठीक है, अगर मैंने 12 का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, और इसमें इस बीच वाले नंबर को अगर मैं डबल कर दूं, मतलब 30 × 2 कर दूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 144 + 60, तो ये आएगा मेरा 204, ठीक है। अब इसको आप ऐसे मत समझना कि भाई सर तो आए हैं, उन्होंने देखकर वो मतलब वो पहले से करके आए, उसने कर दिया। क्वेश्चन कराने का यहाँ पर मोटिव क्या रहता है, मुझे यहाँ पर ये नहीं दिखाना कि मुझे आपसे ज्यादा सवाल आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे यहाँ आपको ये दिखाना है या ये बताना है कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप या मैं आपकी कैपेबिलिटी को जज करने के लिए नहीं बैठे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के लॉजिक रीजनिंग में लगते हैं, ये क्लासेस उसके बारे में होती है। रीजनिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक, ठीक है, यहां बात मेरी नहीं है, किसी की भी नहीं है। आप की से ही पढ़ेंगे तो वहां पर वो आपके सामने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ही लेकर आया कि ये तो अभी एकदम से आया और इसने आते ही लॉजिक लगा दिया, ये कैसे हो गया।
तो लॉजिक कुछ भी लग सकते हैं, रीजनिंग में लॉजिक कैसे भी हो सकते हैं। तो वही है कि अगर आपका क्वेश्चन में एग्जाम अगर आता है और आपका दिमाग अगर नहीं चल रहा है, तो आप इस लॉजिक को भी वहां लगाकर देखिए, ये भी वहां पर फ्रूटफुल रह सकता है। ये होता है इन चीजों का मतलब, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। तो ऐसे ही यहां पर कौन सी चीज यहां पर बैठ रही है, इसको देखें। 9 है, 9 ने 81 प्लस 12 प्लस 24, 225 नहीं बैठेगा। 11 इंटू एक क्या का स्क्वायर हो जाएगा, 121 प्लस 30, ये बैठेगा 150 के आसपास कुछ बैठेगा। उसके पास 4 का स्क्वायर, ठीक है, 16 प्लस 24, ये भी नहीं बैठेगा। बचता है लास्ट 15 का स्क्वायर, होता हमारे पास 225 प्लस 40, कितना आ जाएगा, 265। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए चलिए। तो सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टू नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर। ठीक है, अब इसका आपको यहां बताना है कि जो ये जो आपके दो नंबर जो पेयर हैं, वो किस नंबर से यहां पर पेयर हो सकते हैं, आपको इसमें हाँ ये बताना है। तो 6 है और 85 है, ये है यहां पर। तो क्या इसका लॉजिक यहां पर बैठ सकता है, इसको देखते हैं। 6 और 45 में क्या रिलेशन बैठ सकता है, तो मैं ऐसा करूंगा कि 6 प्लस 1, ठीक है, यहां पर 7 जो है, 7 का मैं करूंगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 का मैं करूंगा स्क्वायर, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 85। तो 49 प्लस 36, 9 और 6 15, 4 3 7 और 1 8। तो जो हमारा नंबर है उसमें हमें प्लस 1 करना है, और दोनों के नंबर का स्क्वायर करके हमें उसको ऐड कर देना है। तो ऐसे ही अगर ये लॉजिक यहां पर बैठ रहा है, तो यहां पर क्या बैठेगा, अगर मैं इसमें आता हूं पहले वाले में, तो 7 में अगर मैं प्लस 1, 8, 8 8 64 प्लस 49, तो 4 9 13, 112 है, तो आएगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 9 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 100 प्लस 81, ये आ जाएगा 181, ठीक है, इसका यहां पर आ जाएगा। बाकी आप यहां पर चेक कर सकते हैं, ये नहीं बैठेंगे इसमें, यही यही सेट बैठेगा, ठीक है। चलिए, विच नंबर फ्रॉम द ऑप्शन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें से आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क जो आपका यहाँ पे आने वाला है, वो किस नंबर को यहाँ पर किस नंबर को फॉलो करेगा। तो उसको मैं अगर यहाँ लिख लूँ आपके सामने, 3 है, 13 है, 53 है और 213 है, ठीक है, मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया। चलिए, बढ़ रहा है, लेकिन है ये मल्टीप्लाई में ही, लेकिन किस तरह से इसको बढ़ रहा है, इसको जरा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर सक्सेसिव हो रहा हो, कि अगर स्पीड से बढ़ रहा हो, तो आपको क्या होता है वहां पर मल्टीप्लिकेशन का वाला आपको वहां पर लॉजिक लगाना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 40, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 60। ऐसे ही तो यहां पर जाएगा 30 और यहां पर आ जाएगा 120। तो अगर मैं इसको देखूं, यहां पर 30 और 120 में कोरिलेशन है, इनटू 4 कोरिलेशन है, ठीक है, तो 30 चौक 120, तो 12 को मैं अगर 4 कर दूं, तो यह जाएगा हमारा 480। और इसका इसका जो कनेक्शन है, ठीक है, वो आपका आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे, 8 और 14 और 4 और 1 5 हो जाएगा आपके यहाँ पर, ठीक है, और 5 को इस अगर हम यहाँ पर इससे ऐड कर देंगे अगर, ठीक है, 800 480 160, ठीक है, 640 आएगा, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, 640 आएगा। अब देखिए, इसको फिर इसमें ऐड करेंगे हम, तो आ जाएगा 3 4 1 5 6 8 2 8, ये आ जाएगा हमारा 153, इसका सही आंसर यहां पर, ये 853 इसका सही आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक। चलो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। आपको यहां बताना है कि इसमें से जो वर्ड्स हैं आपके, वो लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में आ रहे हैं। प्यूपा है, एग है, एडल्ट है, लार्वा है, मतलब कि क्या चीज पहले आती है, क्या चीज बाद में आती है, टेक्निकली ये आपको यहां पर बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास एग आता है, ठीक, उसके बाद फिर हमारे पास लार्वा आता है, फिर हमारे पास पीपा होता है, एंड देन फिर वो एडल्ट बनता है। तो जो थर्ड वाला है इसका, यस, थर्ड वाला है इसका, ये सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, इफ स्ट्रक्चर इज कोडेड एज TSUTCIRER, अगर सॉरी स्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई एक लेटर है, उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, STRICTURE, इसको मैंने कोड कैसे किया है, टी से, एस से, यू से, फिर टी से, फिर सी, फिर आई आर ई आर, इसको मैंने ऐसे कोड किया है। तो इनकलकेट जो लिखा है उसको मैं कैसे कोड करूंगा, जरा इसको देखते हैं। पहले देखते हैं कि इसके बीच में यहां पर क्या रिलेशन जो है बन सकता है। तो देखो, यहां पर ST ST, तो इसका मतलब ये यहां पर इंटरचेंज हो रहे हैं, पहली बात। ऐसी लास्ट में आते हैं आर ई और ई आर, ये आपस में यहां पर इंटरचेंज हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें, तो ये सी जो है वो कॉमन है, सी की प्लेस कोई चेंज नहीं हुई है, आर आई यहां है और आई आर को उल्टा यहां कर दिया,
और टी यू यहां है, टी यू को उल्टा यहां कर दिया। ठीक, तो इस तरह से हो रहा है कि स्टार्टिंग के जो दो वर्ड्स है, एंड के दो वर्ड्स है, उनको रिप्लेस किया, बीच का वर्ड जो है कॉमन है, और उसके बाद जो वर्ड है उनको आपस में इंटरचेंज यहां पर किया गया है, आपके सामने मैंने बता दिया। अब इसको अगर मैं डिकोड करूं इनकलकेट को, इनकलकेट को अगर मैं डिकोड करता हूं तो आई एन का क्या हो जाएगा, एन आई, ठीक है, और टी का क्या हो जाएगा, ई टी। तो यहां पे आप देखते हैं एन आई पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, और लास्ट में ई टी किस में है, दूसरे में, तीसरे में, ठीक है, तो दूसरा तीसरे में से कोई एक आंसर होगा। आगे चलते हैं, बीच में सी हमारा कॉमन था तो एल हमारा यहां पर कॉमन आ जाएगा। अब ये सी यू था तो यहां पर ये यू सी ऐसे आ जाएगा, और ये सी ए था तो ये ए सी यहां जाएगा, तो एन आई ए सी आ रहा है हमारा सेकंड में, तो सेकंड जो है तो सही आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट फिर एक सीरीज है आपको निकालना है, नेक्स्ट नंबर 5, 4, 6, 15, 56, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर यहां पर क्या होगा इसको आप देखिए एक बार, मैं लिखता हूं यहां पर आपके सामने 5, 4, 6, 15, 56, ठीक। तो इसका रिलेशन यहां पर कैसे बनेगा अब इसको आप देखिए, चलिए ये 5 है, 5 × 1 − 1 कितना होता है 4, 4 × 2 − 2 कितना होता है 6, 6 × 3 − 3 कितना होता है 15, 15 × 4 − 4 कितना होता है 56। तो नेक्स्ट यहां पर क्या आ जाएगा, अब देखिए यहां पर 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 15 भी आ गया, 56 भी आ गया, तो नेक्स्ट क्या बनेगा यहां पर, 56 की अगर मल्टीप्लाई 5 में कर दूं और −5 कर दूं तो आंसर मेरा आ जाएगा 5, 36, 5, 5, 25, 28, 280 में से अगर 5 घटाऊंगा तो मेरा आंसर जाएगा 275 यहां पर। ठीक है, चलिए इफ बैंकर इज कोडेड एज सी ए एम के एफ आर, अगर मैं बैंकर को मैंने कोड किया है सी ए एम के एफ आर, ठीक है, बैंकर को मैंने सी एम के एफ आर अगर मैंने कोड किया है तो मेरा इंडियन को मैं कैसे कोड करूंगा, तो देखिए यहां पर कुछ वर्ड जो है वो कॉमन है जिनको यहां पर चेंज नहीं किया गया, पहले उनको देख लेते हैं, जैसे कि ए है इसको चेंज नहीं किया है, के है इसको चेंज नहीं किया है, और आर है इसको चेंज नहीं किया है ना, तो इंडियन को अगर मैं कोड करना चाहूं तो क्या क्या सेम रहेगा मेरे पास, एन सेम रहेगा, ये आई सेम रहेगा, और ये लास्ट का एन सेम रहेगा। ठीक, अगर इससे अगर मुझे कुछ मिल सकता है तो अगर मैं यहां पर देख लूं उसको, तो सेकंड लेटर में अगर एन आ रहा है थर्ड में तो यहां पर दो में है, पहले में और दूसरे में, चलिए आगे चलते हैं, बी के बाद सी मतलब प्लस वन, तो आई के बाद प्लस वन मतलब जे, एन एम मतलब माइनस वन, तो एक कम तो डी से एक कम हो जाएगा सी, और फिर ई से नीचे आएगा एफ प्लस वन तो आ जाएगा बी, तो जे एन सी आई बी एन, तो जे एन सी आई बी एन आपका सेकंड यहां पर आंसर है। ठीक, चलिए सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टू नंबर्स ऑफ द पेयर गिवन बिलो, तो यहां पर आपसे बोला गया है कि 10 और 24 जो है उनका जो रिलेशन है वो जो यहां पर नंबर आपके गिवन है वो उनसे क्या होगा, तो पहले हमें रिलेशन 10 और 24 के बीच में निकालना पड़ेगा। ठीक, 10 और 24 में रिलेशन क्या हो सकता है, तो 10 आप यहां पर देखिए कि 10 किस नंबर के आसपास यहां पर बैठ रहा है, 10 और 24 ऐसे दो नंबर हैं जो दो स्क्वायर के पास बैठ रहे हैं। ठीक है, एक तो बैठ रहा है 9 के पास, एक बैठ रहा है 25 के पास। ठीक, तो 9 + 1 = 25 − 1, तो लॉजिक यहां पर लगेगा कि जो पहला नंबर है वो किसी स्क्वायर में प्लस 1 होगा, दूसरा नंबर जो है वो किसी स्क्वायर का माइनस 1 होगा। तो यहां पर ऐसा कोई नंबर है 141 के आसपास कोई ऐसा नंबर जो आता हो, ठीक है, तो ऐसा तो बस 11 का आता है, 121 12 का आता है, 144 तो वो तो नहीं बैठेगा, 48 में आता है 49, इसको एक बार देख लेते हैं, लेकिन 49 में प्लस 1 करेंगे तो 50 होगा, 48 नहीं होगा, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं 71, 70 के आसपास कोई स्क्वायर नहीं है तो ये भी कट हो गया, बचता है 50, इसको चेक कर लेते हैं, 50 में होता है 7 का स्क्वायर प्लस 1 तो आता है 50। ठीक, उसके बाद 81 होता है, 80 होता है 81 का मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 1 तो आता है 80, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 50 और 80 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल, 8 लोग जो हैं एक स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं, इनको एक बार बिठा लेते हैं, 8 लोग जो हैं एंड फेसिंग द सेंटर, ठीक है, 8 लोग हम ऐसे ही बिठाएंगे, 8 लोग बैठ गए,
उसके बाद यहां पर बोला गया है बी इज फेसिंग डी एंड इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई, ठीक है, तो बी जो है वो ई के राइट में बैठा है और डी को फेस कर रहा है। तो पहले अगर मैं यहां बी को बिठा दूं, कहीं भी बिठा दो बी को, ठीक है, कहीं बिठा दो आप करें, तो राइट ऑफ ई हो गया और फेस किसको कर रहा है, डी को कर रहा है। अभी तक हमारे पास ये पहली चीज होगी क्लियर। एफ जो डी का नंबर है, अब एफ यहां भी हो सकता है, एफ यहां भी हो सकता है, ठीक है, इज फेसिंग जी, तो जी फेस एफ यहां पर नहीं करेगा, यहां पर करेगा, तो इसको मैं यहां से हटा दूं, ठीक है, इसको मैंने यहां से हटा दिया। उसके बाद देयर आर टू पर्सन बिटवीन सी एंड एच, और एच जो है वो ई को फेस नहीं कर रहा, तो सी और एच के बीच में दो लोग यहां पर बैठे हैं, तो दो का गैप में अगर मैं देखूं यहां पर, तो सी अगर यहां बैठेगा तो एच यहां बैठेगा, नहीं बैठता, तो ये दो जगह खाली है। अगर सी और एच यहां पर है, सपोज सी और एच यहां पर है, ठीक, दो लोग इसके बीच में बैठ गए, लेकिन एच जो है वो ई को फेस नहीं कर रहा, तो एच के सामने ई है, तो यहां पर एच नहीं आएगा और यहां पर एच आएगा, तो ये हमारा बैठ गया सब लोग। आपसे पूछा गया है यहां पर कि सी और ई के बीच में कौन बैठा है, तो सी और अच्छा हु माइट बी सिटिंग बिटवीन सी एंड ई इफ देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन देम, ठीक है, सी और ई के बीच में कौन बैठा है अगर उनके बीच में एक ही पर्सन है, तो यहां पर आपका ये जो आपके बच गया, यहां कौन बचा आपका, ए बचा आपका ना, ठीक है, तो ए यहां बैठ गया आपका, बी यहां बैठ गया, सी यहां बैठ गया, डी यहां बैठ गया, ई, ठीक, और उसके बाद एफ जी और सारे सारे आपके यहां, आपके पास यहां बैठ गए हैं, तो ये आपका जो अरेंजमेंट जो है वो बैठ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इफ बैंक इज कोडेड एज 32, ब्रेक इज कोडेड एज 42, देन हाउ वुड क्लेवर बी कोडेड, ठीक है, अगर बैंक को मैंने बत्तीस कोड किया है और ब्रेक को मैंने 42 कोड किया है, तो क्लेवर को मुझे यहां पर कोड करना है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए यहां पर बैंक, तो यहां पर जो उसका सिंपल लॉजिक है वो जो उसके नंबर्स जो आते हैं वही से हम उसको देख सकते हैं कि किस अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर कौन सा नंबर आता है, उन सबको ऐड करिए और नंबर को निकालिए। ट्राई करते हैं, यहां पर दो है, ये एक है, ठीक है, एन कितने पर आता है आपका 14 पर, ठीक है, और के आता है आपका 11 पर, ठीक, इनको मैं ऐड करूं 14 11 25 25 और एक 26 और दो 28, तो 28 बैठ रहा है, 32 तो नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। फिर यहां आते हैं, बी होता है 2 पर, ठीक है, आर कितने पर होता है 18 पर, ठीक है, ए होता है 1 पर, के होता है कितना 11 पर, ठीक है, ई होता है आपका 5 पर, तो 18 और 2 20 और एक 21 और 5 26 26 और 11 37, तो यहां डिफरेंस आ रहा है 4 का, यहां डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो क्या होगा इसका। अब देखो आप जो आपने अल्फाबेट यूज किया है इसमें कितने नंबर हैं 4, आपने जो वर्ड यूज किया है इसमें कितने नंबर हैं 4, यहां पर कितने हैं 5, तो उतने ही नंबर का डिफरेंस है जो आपको कोड दिया गया है, जो उसका टोटल सम आ रहा है, ये यहां से हमें समझ में आया है। तो क्लेवर में कितने हैं 6 वर्ड्स हैं, तो जो भी आपका सम आएगा हम उसमें 6 को उसमें ऐड कर देंगे, ये बात अभी यहां से क्लियर हो गई है। तो क्लेवर को अगर हम बनाने बैठे तो सी होता है 3 पर, ठीक है, एल कितना होता है आपका 12 पर, ई होता है 5 पर, वी होता है आपका 22 पर, आई गेस, है ना, वी होता है आपका 22 पर, ठीक है, ई होता है 5 पर, आर है 18 पर, 12 3 15 5 20 2 22 नहीं सॉरी ये वी है ना, ठीक है, 12 3 15 5 20 और 2 42 और 23, 3 और 2 5, 4 और 3 7, तो ये आ रहा आपका, ठीक है, 65 बैठा आपका, और 65 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो ये आ जाएगा मेरा 70, ठीक है, समझ गए इसको। चलिए, ट्रैक इज रिलेटेड टू एथलीट इन द सेम वे क्लासरूम इज रिलेटेड टू, अब से आप पूछा गया है कि जिस तरह से ट्रैक एथलीट से रिलेशन में है तो वैसे ही क्लासरूम किस में होगा, तो ट्रैक पर क्या होता है, जो एथलीट दौड़ते हैं, तो क्लासरूम में क्या होता है, पढ़ाई होती है, और पढ़ाई कौन करते हैं, स्टूडेंट करते हैं, टीचिंग करती है, स्टडी करते हैं, स्कूल करते हैं, तो स्टूडेंट जो है क्लासरूम में बैठते हैं या पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, एंटरटेनमेंट इज रिलेटेड टू टेलीविजन इन द सेम वे एज वार्मथ इज रिलेटेड टू, ठीक है, एंटरटेनमेंट जो है वो ऐसे रिलेशन है टेलीविजन से जैसा वार्मथ का है, तो एंटरटेनमेंट आपको क्या देता है, सॉरी टीवी आपको क्या देता है, आपको टीवी आपको देता है एंटरटेनमेंट, तो वार्मथ जो है आपको किससे मिलेगी, टेम्परेचर से मिलेगी, प्रॉक्सिमिटी से मिलेगी, वुलन से मिलेगी या डे से मिलेगी। अब टेम्परेचर से मिल सकती है, बट बशर्ते टेम्परेचर आपका गर्म हो, यहां पर आपको गिवन नहीं है कि टेम्परेचर ठंडा है या गर्म है, तो आपका आंसर यहां पे क्या होगा, वुलन होगा, क्योंकि वुलन से आपको क्या मिलती है, गर्माहट मिलती है, तो ये आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
चूज द सेट ऑफ नंबर्स दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट. अब यहां से आपको चूज करना है वो सेट जो उनसे बिल्कुल मैच करता हो, 16 और 30 और 36. तो इसको आप देखिए यहां पर 16 जो है और 30 जो है और 36 जो है, इसमें ये तो आपके दो स्क्वायर ही हो गए, है ना, इसमें ये दो आपके स्क्वायर ही हो गए. तो इसको अगर मैं ऐसे करता हूं कि 16 को अगर मैं अंडर रूट करूं और 36 को अगर मैं अंडर रूट करूं तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 4 + 6, ये आएगा 10. 10 और 30 में क्या रिलेशन है, इंटू 3 का, तो ये आ जाएगा 30. ऐसे अगर मैं इसमें यहां पर देख के चलूं तो पहले तो मुझे दो स्क्वायर ढूंढने हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 16 का अंडर रूट 4 और 8 64 का जाएगा 8, 12. लेकिन 12 की गुणा 3 में करनी है तो 36 आना चाहिए, तो ये गलत है. बचा आपका एक ही ऑप्शन, इसको आप चेक भी कर लीजिए. 3 है, 3 और प्लस 5, 8 इंटू 3 24. ठीक है, चलिए चलिए. तो ये था हमारा इस आज के इस वीडियो में, इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस थे जिनको आप करेंगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे रहने वाले हैं, काफी यूजफुल रहने वाले हैं. तो देखिए आप इस वीडियो को, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल. और ऐसे ही वीडियोस आपको, ऐसी सेशन आपको ले अभी और आएंगे, मंडे भी, ट्यूसडे भी, ठीक है. हम ट्राई करेंगे जितने आपको आपको हेल्प कर सके, आप जहां से इसको प्रैक्टिस कर सके, तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.